हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर पुणे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपोलो टायर्स लिमिटेड, जिसमें कि अगर आज के दिन देखें तो ये स्टॉक लगभग 327 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक में आज 10 रुपये 50 पैसे की गिरावट देखने को मिली है, जो कि आज फ्राइडे हैगा और आज के बाद 2 दिन की छुट्टी देखने को मिलेगी स्टॉक मार्केट में। तो हम सोम मंडे का टारगेट प्रिडिक्शन करेंगे कि इस स्टॉक में आने वाले समय में किस तरह के टारगेट बनते हुए नजर आएगी। क्या यहाँ से अभी और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगी या फिर यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिलता है और ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले अगर हम देखें कि इस स्टॉक में एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस का क्या मानना हैगा, ये भी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम आपको इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न दिखाएं कि किस प्रकार का इस स्टॉक में चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा हैगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा हैगा, जहां पर इस स्टॉक में एक ऊपरी लेवल से सपोर्ट के बाद में एक गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो यहाँ पे बना हैगा डार्क कुट कवर, जो कि 3 जनवरी के इस स्टॉक में बना, वहां से इस स्टॉक में ऊपरी लेवल से आज के दिन बिकवाली देखने को मिल रही है। और अगर हम इस स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल की बात करें तो जो इसका जहाँ से इस स्टॉक में काफ़ी बड़ी खरीदारी होती हुई नज़र आई, वो अराउंड 321 रुपये के आसपास इस स्टॉक में बड़ी तेजी बनती हुई नज़र आ रही। और अगर हम इस स्टॉक में देखें तो ये स्टॉक काफ़ी इस वक्त काफ़ी ऊपरी लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहेगा, क्योंकि अगर हम इसके लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे इस स्टॉक ने लगातार हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है और ये स्टॉक ने अपने 52 वीक हाई को भी ब्रेकआउट दिया हैगा। और ये स्टॉक अगर आपके पास है तो आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना चाहिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में इस स्टॉक में काफी बड़े रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे, जहां पर ये स्टॉक आपको 400 रुपये तक के बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो इस स्टॉक में एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है अराउंड 321 रुपये, और इस स्टॉक में आपको 340 और 350 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम स्टॉप लॉस के बाद में अगर गिरावट की बात करें तो इस स्टॉक में अगर 321 रुपये से नीचे इस स्टॉक में ब्रेक मिलता है तो ये स्टॉक और नीचे गिरता हुआ नजर आएगा, जहाँ पे ये स्टॉक आपको अराउंड 306 रुपये तक का गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस स्टॉक में काफी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में आज के दिन इसमें ऊपरी लेवल पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलाएगा और ये स्टॉक आज के दिन लगभग 10 रुपये के आसपास गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको इस स्टॉक में अगर दूर का नजरिया रखते हैं, यानी लॉन्ग टर्म निवेश करते हो, तो इस स्टॉक में आपको काफी मोटा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हो तो इस स्टॉक में आपको